ओशन गेट के टाइटन सबमरीन अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। सेंट जॉन पोर्ट से टाइटन सबमरीन को 700 किलोमीटर के बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पानी के अंदर डाइव मारना था और इसी के नीचे टाइटैनिक शिप मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर स्टार्ट हुआ और इसके अंदर इस सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग मौजूद थे। इन्होंने जेफ बिजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉक टॉनरस, जो ओशन गेट के सीईओ थे। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी भी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप के एक्सपर्ट थे और टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की ये काफी जानकारी रखते थे। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादे दाऊद अपने बेटे के साथ सुलेमान के साथ इसी सबमरीन के हिस्से में थे। ये 5 लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए टाइटैनिक शिप को देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक शिप डूबने के बाद इसे ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन अटलांटिक ओशन में इसे ढूंढना आसान नहीं था। आखिरकार कोशिश जारी रखते हुए 1995 में टाइटैनिक शिप को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई कि इन जवाबों का तलाश करने का वक्त आ चुका था। लेकिन कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ा वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप 4 किलोमीटर के गहराई में मौजूद है। अगर आपको अज्यूम करना है तो 5 टाइम बुर्ज खलीफा के हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर है 5000 PSI। ये उतना ही प्रेशर है जितना आपकी उंगली का 1 इंच ले लिया गया, उस पे हाथी को ठहरा गया, जो जितना प्रेशर आता है। तो अब आप अंदाजा लगा ले कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता हो। खैर, संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदर शिप पोलार प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से रापता टूट गया। समंदर के इस गहराई में सूरज का पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त इंतहाई अंधेरा होता है। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई रापता ना हुआ और वो ना ही वो वापस लौटे, और जो ऑपरेट ट्रिम कर रहे थे वो टेंशन लेना शुरू हो गए। कैनेडियन मदरशिप पोलार प्रिंस ने टाइटन सबमरीन की तलाश शुरू कर दी। रात के 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से रापता करके मदद तलब की। अगले दिन मंडे को US और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर के टॉप लेयर्स पे ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक तलाश जारी रखी, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं मिला। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेनसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराई में से आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें अंडर वाटर सोनार की वजह से सुनाई गई थी। फौरन ROVs की मदद से आवाज़ की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर ना मिली। और अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ 96 घंटों का या 4 दिन का ऑक्सीजन रखा था। और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। 3:48 PM को ROVs टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी। उसने टाइटन के एक दुम का हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पर देखा, और रिसर्च के मुताबिक टाइटन को फटने में सिर्फ और सिर्फ 0.3 सेकंड्स लगे, क्योंकि पानी का प्रेशर का अंदाज़ा
कोई ही नहीं लगा सकता। तो गाइस आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट कर जरूर बता देना, और आपकी कुछ राय है इस टाइटन सबमराइन के मुताबिक और वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।